कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप दोनों जगह पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वही एनालिसिस मैं सिखा भी रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डेमो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। सो टाटा एलेक्स से काफ़ी लोअर लेवल पर सजेशन दिया गया था, करीबन 2800 के आसपास। वहाँ से अगर रिटर्न देखे तो ऑलमोस्ट 77% का रिटर्न देखने को मिल रहा है 153 डेज के अंदर, और ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो 103 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, सो यही बेनिफिट है एक एडवाइस का कि एनालिसिस किस तरह से वर्क होता है। अब टाटा एलेक्स का अगर मंथली टाइम फ्रेम का अगर मैं बात करूँ, सो लोअर लेवल से स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है, ऑलमोस्ट 5 बैगर ये स्टॉक्स हो गया है। 1000 रुपीज़ का अगर बेंचमार्क मैं ले रहा हूँ तो 5000 रुपीज़ मतलब 5 बैगर ये स्टॉक्स हो गया है। सो अब आप लोग ऐसा सोचोगे कि इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इतना बढ़ जाने के बाद। ठीक है, अगर ट्रेडिंग करना है तो आप ज़रूर ट्रेडिंग कर सकते हो। और अभी जिस तरह से आईटी इंडेक्स में जिस तरह का मूव आज हमें देखने को मिल रहा है और डॉलर में जिस तरह का थोड़ा वीकनेस भी हमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन भी इस स्टॉक के अंदर भी हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर किसी को भी काम करना हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अभी इस स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर काम करना हो तो बहुत ही अच्छी सी क्वालिटी का यहाँ पर ये रेंज बना हुआ है, वहाँ पर किसी को भी काम करना हो ये स्टॉक्स आता है तो आप ज़रूर काम कर सकते हो। मैं जो लेवल्स यहाँ पर आपको दे रहा हूँ वो लेवल्स थोड़ा लोअर लेवल पर है गाइस, वो लेवल्स थोड़े लोअर लेवल पर है लेकिन उसी जगह पर रिस्क मिनिमम है गाइस। ठीक है, सो हमें वहाँ पर ही काम करना चाहिए। 4650, 4650 से लेके 4600 के बीच में 50 रुपये का रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज में किसी को भी काम करना हो तो आप ज़रूर काम कर सकते हो। और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है 4590 रुपीज़ का। ठीक है, सो टाटा एलेक्सी के अंदर और इंट्राडे के बेसिस पे भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी चलेगा। सो 4650 से लेके 4600 की रेंज में किसी को भी काम करना हो आप ज़रूर काम कीजिए, और स्टॉप लॉस मैंने बताया है 4590 रुपीज़ का, सो वो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो टाटा एलेक्सी में ट्रेडिंग करना हो तो आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी इस लेवल पर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ऑलरेडी आपकी ट्रेन मिस हो चुकी है, सो ट्रेन मिस हो जाती है तो हम उसके पीछे नहीं भागते हैं दोस्तों, दूसरे ट्रेन का इंतजार करते हैं, समझ रहे हो। सो यू विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम काम कर रहे हैं। अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना है तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, अपने आँखों को और दिमाग को ट्रेन कीजिए, इंडिकेटर के सहारे मत काम कीजिए। योर आई इज़ बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर। सो मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।